देखिए आतिशी जी की हालत रात में बहुत बिगड़ गई, बहुत गंभीर स्थिति है और मैं इससे प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ हो। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आतिशी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। पहले उनका ब्लड शुगर लेवल 43 आया, फिर जब चेक किया गया तो 36 आया और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी जान जा सकती है, स्थिति बहुत गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा। हम उन्हें रात में ही अस्पताल ले आए, उन्हें LNJP के ICU में भर्ती कराया गया है जहाँ डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह बहुत जल्द ही ठीक हो जाए। 5 दिनों से भूख हड़ताल पर था, अब विरोध बंद कर दिया गया है, लेकिन विरोध के और भी तरीके हैं। मैं प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख रहा हूं और संसद में भी यह आवाज उठाऊंगा। वहीं संजय सिंह ने नीट परीक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, देखे ये वीडियो। देखिए आतिशी जी की हालत रात में बहुत बिगड़ गई, पहले उनका ब्लड शुगर का लेवल 43 आया, फिर उसको चेक किया गया तो 36 आया और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि इनका जीवन जा सकता है, बहुत गंभीर स्थिति है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। फिर रात में ही हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके आ गए, एडमिट कराया है, वो LNJP के ICU में एडमिट हैं और जहाँ पे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी आतिशी जी स्वस्थ हों। उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, 5 दिन तक अनशन पर रहीं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी वो स्वस्थ होंगी। अब उस पर विराम लगा है, लेकिन आंदोलन के जो दूसरे तरीके हैं, मैं प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहा हूं और संसद के अंदर भी आवाज को उठाएंगे। आपने जो कहा नीट परीक्षा को लेकर कि उसका भी मुद्दा आप लोग संसद में उठाएंगे और क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तैयारी है? देखिए नीट की परीक्षा का मुद्दा जो है पूरे देश का मुद्दा है। आज अगर 24 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है नीट का एग्जाम रद्द होने के पेपर लीक होने के कारण, तो अब सरकार को ये एग्जाम भी रद्द करना चाहिए, री एग्जाम कराना चाहिए। आप देश में कितने उम्मीदों से माँ बाप अपना पेट काट के पढ़ाते हैं बच्चों को और वो एग्जाम देते हैं, मेहनत करते हैं, कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं दिन रात, उसके बाद उनका पेपर लीक हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। स्पीकर को लेकर कंसेंसस की बात की, TDP JDU को चिताया, आपको लगता है कि अगर BJP का स्पीकर बना तो उनके लिए गड़बड़ होगी, आपके लिए भी गड़बड़ी होगी? ये तो इतिहास की बातें हैं, मैं अलग से थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। पिछले 10 सालों में 7-8 सरकारें तोड़ फोड़ करके BJP ने अलग अलग राज्यों में बनाई है, ये सर्वविदित सत्य है, किसी से छिपा नहीं है। TDP पार्टी खुद को राज्यसभा में उनके 4 सांसद तोड़ के अलग BJP में उन्होंने शामिल कर लिए थे, क्या यह किसी से छिपी हुई बात है? नहीं, बिल्कुल खुली हुई बात है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर NDA के घटक दलों का कोई स्पीकर होगा तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, विपक्ष का होगा तो सबके लिए ठीक होगा, हम कोई तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि और आपने देखा 150 सांसद भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार राज्यसभा लोकसभा मिला के सस्पेंड हुए थे, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं। ओम बिरला की खबर आ रही है कि उन्हें बनाया जा सकता है स्पीकर, देखते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे था प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक आखिरी सवाल है, अभी प्रधानमंत्री का एक बयान है आपातकाल को लेकर, आपातकाल शायद बढ़ती है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सवाल खड़े किए कि वो काला अध्याय एक और ये दस साल में क्या हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डालना, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में डालना, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में डालना, झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डालना, ममता बनर्जी के मंत्रियों को पकड़ के जेल में डालना, संजय रावत जी को पकड़ के जेल में डालना, अनिल देशमुख को पकड़ के जेल, ये देशभर में जितने भी लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये क्या है आप मुझे बताइए? आप देखिए ना, अभी आपातकाल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, लोकतंत्र का कैसा माखौल उड़ाया गया 10 साल के अंदर, चुनी हुई सरकारें अलग अलग राज्यों में गिराई गई, महाराष्ट्र के अंदर लोकतंत्र की हत्या करके सरकार गिराई गई विधायकों को तोड़फोड़ करके, वही काम कर्नाटक में हुआ, वही काम अरुणाचल में हुआ, वही काम उत्तराखंड में हुआ, वही काम मध्य प्रदेश में हुआ, कितनी बातें बताएं आपातकाल की, इन 10 सालों में इस देश ने क्या देखा है? तो इसलिए निश्चित रूप से आपातकाल का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो एक आपातकाल 10 सालों में हम लोगों ने देखा है,
ये तो बहुत ही भयंकर और पीड़ादायक क्या रहा, एक साल तक देश के किसान सड़कों पर बैठे रहे, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको चिंता नहीं उनकी। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया पेपर लीक के कारण। तो इसलिए महंगाई का स्तर देख लीजिए, तो ये सब आपातकाल के ही की परिस्थितियां हैं।